थी बहुत हेल्प करेगी। हाँ तो शिवम सिंह को हम कहते हैं यहाँ पर अलविदा। ये चीज़ अगर ब्लॉग में गया साथ है ये भाई साहब जो रास्ता बता रहे हैं आगे चलते चलते। तो ये आगे देखो चासू भात मोस्ट डिफिकल्ट ट्रैक है वाकई, ये मान गया। अगर आप मेरे पास क्या है ये मोनाल फीमेल का पंख है। तो यहाँ पे ना सामने वाला जो स्पॉट है ये रास्ता जाम ट्रैफिक जाम तो 400-500 भेड़े यही हैं। ए भेड़ बताओ कुछ अपने बारे में। तो आप सामने वाली वैली देखिए ना कितनी खूबसूरत है और देखिए ऊंचे ऊंचे पहाड़ ये खुला आसमान जो इन सब है पहाड़ियों की शान। सो गाइज दिस इज आदि वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आदि ब्लॉग्स। तो पिछले वाले ब्लॉग में आपने देखा होगा अगर नहीं देखा है देख लेना। यहाँ तक आने का रास्ता जो मैंने आपको दिखाया था बाय शेयरिंग गाड़ी कैसे आना है। तो ये सगर विलेज है काफ़ी खूबसूरत है गोपेश्वर और मंडल के बीच में। आप नीचे की वैली का नज़ारा देख लीजिए। यहाँ पर हमने लिया था अपना होटल होटल देवलोक इसका नाम है। तो यहाँ पे हैं बहुत सारे होटल ऐसे और देखिए बहुत सारे लोग जा रहे हैं। तो आप ऊपर वाली पीक देख रहे हैं आज की डेस्टिनेशन हमारी वो पीक ही है मतलब हम लोग आए हैं स्पेशल रुद्रनाथ जी के दर्शन करने के लिए और ट्रैक करने के लिए। करीब 24 किलोमीटर ट्रैक बताते हैं और बोलते हैं कि पंच केदारों में ये वाला ट्रैक सबसे ज़्यादा टफ है और हम लोग भी अपने आप को मतलब आजमाने के लिए कि हो पाता है नहीं कंप्लीट है। हमारा टारगेट क्या है कि आज ही आज ऊपर पहुंचना है और लोग बोलते हैं कि 3 दिन का ये ट्रैक है लेकिन हम सोच रहे हैं कि आज ही आज पहुँचें। अब देखो होप्स हो कि आज हम पहुंच पाएंगे नहीं पहुंच पाएंगे बीच में कहीं स्टे लेना पड़ेगा या नहीं ये तो मुझे मालूम नहीं है लेकिन कोशिश रहेगी कि आज शाम तक हम रुद्रनाथ जी के दर्शन कर लें। शाम तक मतलब 24 किलोमीटर पूरा कर लें। मॉर्निंग के करीब 6 बजे हुए हैं हल्की हल्की धूप पहाड़ों के ऊपर आ गई है और मौसम है काफ़ी अच्छा मतलब बारिश का मौसम नहीं है। बारिश का मौसम होता तो हम लोग को दिक्कत हो सकती थी बारिश के मौसम में थोड़ा आपको पता है ना चलने में भी दिक्कत होती है लेकिन धूप के मौसम में और ज़्यादा दिक्कत होगी। अगर हल्के बादल आ जाएंगे तो हमारे लिए वो ज़्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि अभी ऊपर जंगल दिखाई दे रहा है जंगल से ऊपर जो जितने भी पहाड़ हैं ना उन पहाड़ों के ऊपर सिर्फ घास है पेड़ नहीं है तो छाया मिलनी नहीं है तो उसमें हमको गर्मी लगेगी और ट्रैक करने में दिक्कत रहेगी। उस साइड चेहरा काला आ रहा है एकदम से बिल्कुल अब गोरे नजर आए देखो कितने बजे में चल रहा बगैर किसी बैग के मैं खां छिल्ला सा जल रहा और ये देखो इसको बेचारे को सारा सामान पका दिया हमने तो अपना पास धंधा भी है। तो हम लोग मेरे पास तो छोटा सा एक पिट्टू बैग है। अरे पंचो कहाँ रखा था बैग में अच्छा है ना ठीक है बैग में हाँ पंचो मैंने कहा पंचो रखना भूल गया तो फिर 22 में भीगेंगे। तो ये है कुछ हसीन वादियाँ यहाँ पे देखिए वाटरफॉल बहुत खूबसूरत खूबसूरत कैसा लग रहा है तुमको यहाँ पे जबरदस्त लल्लन टाप जगह है जिंदाबाद। ये है देखो नीचे का नज़ारा भी कुछ और ऐसा है वहाँ धूप खुल गई है थोड़ा हम लोग थोड़ा लेट हो गए हैं क्योंकि अगर हम लोग सुबह मैं खुद 4:30 बजे उठा मैं सोचा कि मैं 4 बजे उठ जाऊँगा लेकिन कल आज नहीं 4:30 बजे खुली 4 बजे उठा तो हम लोग का ट्रैक अभी 2-3 किलोमीटर तो हो चुका होता तो कोई नहीं देर आए दुरुस्त आए 6:15 बजे हुए 6:15 बजे ट्रैक स्टार्ट कर रहे हैं टारगेट है शाम के 6 बजे तक पूरा पहुंचने का ऊपर तक। देखो बाकी भोलेनाथ की मर्जी हम लोग जा रहे हैं रुद्रनाथ। तो यह है देखिए श्री रुद्रनाथ मुख्य प्रवेशद्वार ग्राम सगर। तो यहाँ से हमारी यात्रा होगी है स्टार्ट। यहाँ पर कुछ दुकानें भी हैं अगर आपको सामान लेना तो आप ले सकते हैं। चॉकलेट है क्या चॉकलेट देख लो दिव्यान सुन चॉकलेट की बहुत जरूरत पड़ती है बता तुम्हें हाँ अभी बताएंगे क्यों। तो रास्ता में मैं शुरुआत से चढ़ाई है शुरुआत से गया स्टेयर से और खूबसूरत रास्ता गांव के बीचों बीच से आ रहा है ऐसे हर जगह पर लिखा हुआ है रुद्रनाथ मार्ग 18 किलोमीटर ऊपर को है भाई ऊपर को इधर चलो यहाँ इतना बड़ा अक्षर लिखा हुआ है। देखिए दिव्या पहाड़ी होम स्टे सागर हमारे यहाँ घोड़े और गाइड को कोटर मिल जाते हैं तो यहाँ याली व्यवस्था भी हो जाती है मतलब गांव में है मकान वो सामने आप देखें ऐसा डोका बोलते हैं उसमें लोग पीठ में लाद के घास लेके आते हैं और ऐसे कुछ भुट्टे के पेड़ लगे हुए साथ साथ में फूल व्हाइट कलर के और जो ये पुराने ज़माने के मकान होते हैं
कितने खूबसूरत देख रहे हो आप। ये ही इन्हीं मकान की वजह से ना उत्तराखंड के पहाड़ों की खूबसूरती है। तो ये देख रहे हो आप, ये मडवे की बाली है। ये मतलब इसका जो आटा होता है ना काला रंग का होता है, और जो मधुमेह वाले होते हैं मतलब डायबिटीज़ के जो पेशेंट होते हैं उनके लिए बहुत अच्छा होता है। इसकी ब्लैक कलर की रोटी बनती है। ये पूरा खेत ऊपर तक मडवे का, ऊपर झुंगरा है। झुंगरे की आपने खीर भी कभी खाई होगी, और या कभी चावल खाया होगा, भूरा कलर का चावल होता है झुंगरा। तीतर की आवाज़ नहीं, तीतर की वो सामने वाले पत्थर पे थी। एक छोटा सा तीतर बैठा हुआ, एक बड़ा तीतर यहाँ बैठे हुए हैं, दो देख रहे हो। ये तीतर के पीछे दो, ये तीतर के आगे ये आवाज़ होती है तीतर की थी, चींक 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 करके बोलता है। और ऊपर का नज़ारा आप देखो, रास्ता देखो, ये तीतर की आवाज़ फिर से आई। हमको वो ऊपर टॉप पर जहाँ वाटरफॉल दिखाई दे रहा ना वहाँ तक जाना है, वहाँ तक खड़ी चढ़ाई है ऐसा गाँव वाले बता रहे थे। और वहाँ तक करीब 14 किलोमीटर है पूरा, और उसके बाद बोले थे पहले पहले आएगा। आप देखो ऊपर का, ऊपर जाके बोले थे बहुत खूबसूरत है नज़ारा। हमने जाने कैसा नज़ारा है, इस नज़ारे को देखने के लिए 14 किलोमीटर पहले जाना पड़ेगा। 7:30 बज गए क्या? 7 बज गए हैं, 7 बज गए, 1 घंटा हमको चलते चलते हो गया। तो 2 घंटे अभी कहीं 1.5-2 किलोमीटर हमने अभी डिस्टेंस तय की हुई है। देखिए ऊपर के वाटरफॉल देख के लगा कि काफ़ी खूबसूरत रास्ता होगा। यानी नेचुरल वाटर बिस्लरी खेल है जो हम पी लेते हैं। वाह, मीठा मीठा पानी है, ठंडो रे ठंडो। मेरे पहाड़ों की पानी हवा ठंडी, पानी ठंडो है। एक अंकल गांव के जी। तो अभी आप कहाँ जा रहे हैं बताया आपने? पूर्ण बुग्याल। पूर्ण बुग्याल जा रहे हैं जी। वहाँ आपकी गाय वगैरह हैं क्या? गाय भी है वहाँ, हम वो निकाल के जाते हैं वहाँ। अच्छा, वो बांस के लिए। अच्छा, वो घास के लिए कंडी बुनते हैं हम। अच्छा, डोले डोले जी हाँ, जो डोका बोलते हैं जी। हाँ जी। अच्छा जी सर, फिर शाम को वापस आना है। शाम को वापस भी आना है। और इधर इधर अब बर्फ़ कब तक रहती है ऊपर पहाड़ों में? ये बर्फ़ अब आपको अभी नहीं मिलेगी, अब अक्टूबर नवंबर के बाद, नवंबर के बाद बर्फ गिरती है। अच्छा, तो आपका आजीविका का क्या सहारा है हमारे गांव में जी? आजीविका का सहारा? सहारा कुछ नहीं, सहारा सहारा तो अपना ये से बस खाना राशन जब खेत में होता था है, हाँ। सब कुछ होता है। यहाँ बर्फ़ कम गिरती है, हाँ। यहाँ तो 1 फीट 6 इंच बर्फ़ गिरती है। अच्छा, वो बाकी से ऊपर गिरती है 7 फीट 5 फीट पर। अच्छा, रुद्रनाथ गिरती है तुम्हारे 6-7 फीट पर। अच्छा, तो ये तो मडवे के खेत हैं? ये मंडवा है, हाँ। इसका वो ब्लैक कलर का आटा बनता है जी, हाँ। और क्या खेती बाड़ी में क्या क्या होता है? और जी यहाँ गेहूँ होता है, हाँ। धान होता है, हाँ। काली दाल होती है, हाँ। यही होता है यहाँ। इसे बड़ियाड़ बोलते हैं ना आपके जो गले में जी, इससे काटोगे आप जी, हाँ। बात हाँ, तो शिवम सिंह को हम कहते हैं यहाँ पर अलविदा। ये चीज अगर ब्लॉग में गया क्यों नहीं जाएगा ब्लॉग में? तोड़ दूंगा। सुरेंद्र सिंह चल नहीं पाया, सिंचाई बहुत टफ थी, फैट ज़्यादा है, फैट ज़्यादा है और प्रैक्टिस भी नहीं है, तो उस वजह से इसलिए कहते हैं कि पहले जब कोई ट्रैक करो, मतलब हमारी भी फटने वाली ऊपर जाते जाते, लेकिन शिवम सिंह की भी फट गई है 3 किलोमीटर में। अभी हमको 20 किलोमीटर और जाना है। ठीक है शिवम सिंह, नीचे रहो आराम से होटल में, हम तुम्हें कल शाम वहाँ मिलेंगे। ठीक है, ओके, बाय बाय, अपना ध्यान रखना नीचे। देखो जंगल ख़त्म होने के बाद देखो आप, ये आया प्यारा सा बुग्याल उस साइड से। सनराइज हुआ था मॉर्निंग में, बहुत पहले हो गया था, है ना। अभी यहाँ पर भी एक शॉप है, रुकने रुकने की व्यवस्था है, जो बता है आराम से यहाँ पर भी आके अपना विश्राम कर सकता है, जो भी करना है उसको ना, यहाँ रास्ता है। और वो टॉप देख रहे हो आपको, हमको उस टॉप को पार करना है, हमारा मेन मकसद उस टॉप को पार करना ही है। ये भाई साहब जो पूरा रास्ता बता रहे हैं, आगे चलते चलते पानी का पूरा स्रोत आ गया। अब ये पानी कैसे पार करेंगे? वैसे हम भी पार करेंगे। मैंने पानी पीना स्टार्ट कर दिया। अरे भाई साहब झरना है देखो, जबरदस्त ये ये हो गए पार। लो ऐसे लोग आ रहे पास, चलो आओ। हाँ गुड, तो रास्ता ना
कहीं कहीं फिसलन बहुत ज़्यादा है, जहाँ पानी है। मैंने आपको दिखाया था, यहाँ पर भी डॉगी पार करा था, तो भाई साहब ने क्या किया कि गलत पत्थर पर पार किया। इन पत्थरों में ना जो पानी वाले होते हैं बहुत ज़्यादा स्किप करते हैं, तो का सावधानी क्या चलना पड़ता है, वो फिसलते तो वो यह कि रुक गए, वरना सीधे नीचे जाते। उनके हाथ में ज़्यादा चोट वोट लगी हुई है, तो अभी हमें डेटा वेटा लगा। चलो वो बैठे हैं, रेस्ट कर रहे हैं तीन के दिन दोस्त, और अपनी यात्रा आगे की ओर बढ़ा रहे हैं। देख रहे हो आप आवाज़ कितनी प्यारी आ रही है, हर जगह वाटरफॉल वाटरफॉल है, क्या नज़ारा है, बड़ा घना जंगल है। मंजिल खूबसूरत है तो सफ़र भी खूबसूरत होगा, थोड़ा एफर्ट लगाना पड़ेगा। हमारे घुंगू सेठ आ गए, देखो ए घुंगू सेठ, ये देखो तुम्हें लोग बुला रहे हैं, देखो बोलो हेलो, नहीं बोलोगे, नाराज़ हो रहा है, बोल रहा है मैं नहीं बोलूँगा हेलो। पर सिचुएशन और गंभीर है, ये वाला पुल टूटा हुआ है पूरा, देख रहे हो आप। मैं एक यूट्यूब में MSD का देख रहा था ब्लॉग, तो वो इसी पुल से गया था उस टाइम पे, अभी एक महीने पहले की बात है, तब ये वियाला पुल नहीं बना था, अभी गांव वालों ने लकड़ी का पुल बनाया हुआ है मस्त करके, ये देख रहे हो मस्त लकड़ी का पुल है। नदी आती हुई कुछ ज़्यादा गहरी, तो यहाँ पर एक पुल बना हुआ है, तो ये पुल क्रॉस करके हमको जाना है यूँ। देखिए नज़ारा, हमने जंगल पूरा क्रॉस कर लिया है, अभी जो मैं थोड़ा बहुत बचा हुआ जंगल, और यहाँ से नज़ारा आप देखोगे ना उस घाटी का, वो आप देख रहे हो ना, वो तो बीच में एक और मैदान है हल्का सा, हम लोग कुछ देर पहले वहीं थे, वो डॉगी हमारे साथ वहीं से आया था, तो वो वहाँ से वो नीचे रोड दिखाई दे रही, वहाँ से चलते चलते हम ऐसे पहुँच गए यहाँ तक। क्या दिलकश नज़ारा है, मज़ा आ गया, कैसा लग रहा भाई? बहुत सेक्सी। अभी हम दो ही लोग पहुँचे हुए, और बाकी जितने टैगर थे हमने उसको पीछे किया हुआ है, जितने लोग हम हमारे साथ आ रहे हैं। यहाँ पर चाय की दुकान भी है, तो मे बी हम लोग यहाँ पर एक चाय पीते हैं। नहीं, पाँव में हल्का का दर्द स्टार्ट हो गया अब वहाँ पर, लेकिन गाय चल रही है। मैं कहा शिवम मुझे फ़ोन कर था, बोला था मैं आऊँगा, तो कब तक वहाँ तक आ जाए, तो फ़ोन ट्राई करता हूँ उसको। चढ़ाई ख़त्म हो गई है, लेकिन भैया ये तो लास्ट की 4 किलोमीटर चढ़ाई है ना, जान लेने वाली है। वो वहाँ खड़ा है, देखो उत्ते ऊपर वहाँ से आवाज़ दे रहा है मेरे को, वो भाई साहब नीचे बैठे हुए हैं ऐसे, मतलब सबकी स्थिति है ना बहुत नाजुक। चल रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं पहुँचने की, पहले कोशिश है 15-11 पहुँचने की, उसके बाद देखा जाएगा क्या होगा, कि पाँव भी धीरे धीरे जवाब देते जा रहे हैं। सांस फूल के हालत ख़राब हो गई है थोड़ी, ऑक्सीजन का लेवल थोड़ा डाउन हो रहा है, क्योंकि हल्का का सर भारी होने लग गया, तो ऐसा कुछ यहाँ का नज़ारा है। पूरे ओक के ट्रिये और बुरास के, ये दो बहुतायत में, और इस वजह से पानी बहुत है जंगल में है ना। क्या अभी मैंने टोपी पहन ली, धूप लगने लगी ना, इसलिए जो बोलते हैं कि रुद्रनाथ की यात्रा सबसे ज़्यादा टफ है, वाकई सही बात है। अभी हम यहाँ पे पहुँचे हैं लुटी, लुटी में भी रहने है। और सोने की अच्छी व्यवस्था, आप टेंट देख रहे हैं लगे हुए, तो यहाँ पर भी आके लोग रह सकते हैं, मतलब है यहाँ पर ऐसा है रुद्रनाथ मार्ग लिट्टी, यहाँ हमारे यहाँ रहने और खाने घोड़ा कच्चे की उचित व्यवस्था है, तो आप यहाँ पर भी आके रुक जाओ, अगले दिन चले जाओ जब आप थकान अगर महसूस हो रही हो आपको, तो आप ये भी कर सकते हो, क्योंकि यहाँ तक आने में आपको 8 घंटे लगेंगे कम से कम। हम लोगों को अभी 2:30 बज गया है, सुबह चले 7 बजे, तो समझ लीजिए आप 5-6.5 घंटे हो गए चलते चलते। लेकिन अब जाके थोड़ा मतलब ये चढ़ाई जो पार की है ना, इसके बाद जो रास्ता है वो बहुत प्यारा है, ये रास्ता मतलब काफ़ी खूबसूरत है। अभी वो वहाँ पर पनार बुग्याल है लास्ट, यहाँ पे दुकान है, तो उसके बाद फिर कौन सा स्टेशन पड़ गया हमको मालूम नहीं, ये मालूम है कि पनार है आगे। तो यहाँ से मतलब सीनरी कुछ ऐसी है, व्यू है कुछ ऐसा है मज़ेदार वाला है ना, तो आप भी आए, मतलब ऐसे प्लान कर सकते, हमने किया है एक ही दिन में करना, सोचना तो एक दिन में कर लो उसके लिए, लेकिन आपको आने से पहले करीब रोज़ सुबह सुबह प्रैक्टिस करनी पड़ेगी 4-5 किलोमीटर चलने की, तब आपके पांव खुले रहेंगे, तो इतने कैंप नहीं आएगा पांव पे। पनार
पन्नार बुक यार्ड मतलब स्टार्ट हो गया, तो पन्नार बुक यार्ड पे हमने लिया है रेस्ट यहाँ पर खाने के लिए चासू भात, गढ़वाल की फेमस डिश। मतलब चासू भात उड़द की दाल का होता है ना भैया, हाँ काली वाली दाल को पीस देते हैं सिलबट्टे में, उसके तेल में भून के बनाते हैं चासू भात, बहुत स्वादिष्ट खाना। वो भैया बना रहे हैं गरम गरम चावल, दाल बनी हुई है, हमारे यहाँ तक मतलब चावल खत्म हो गया था। ऐसा परसों वीडियो सपने में भी देख रहा था मैं, सब ब्लॉग बना था पालू सही में, हाँ वही वाली हकीकत बात हो गई, और चासू भात ही खा रहा था। तो ये मेरा सपना सच हो गया आज, मतलब बहुत दिनों बाद, मतलब 4-5 दिन पहले देखा हुआ सपना आज पूरा हुआ है। तो बनना चासू भात, अभी वहाँ पे इंतजार करते हैं खाने का। बाहर का मौसम है कुछ ऐसा, हवा चल रही है बहुत तेज यहाँ पे। हमने पहले मैंने आपको बताना भूल गया, हमने नीचे ही पर्ची कटवाई थी, ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की पर्ची काटनी पड़ती है जब ऊपर ट्रैक में आप आते हो, तो वो पर पर्सन अगर बंदा इस डिस्ट्रिक्ट का नहीं है, जिस डिस्ट्रिक्ट में मतलब पीपल नहीं है, तो अगर उससे बाहर डिस्ट्रिक्ट का है तो 150 रुपये उनको देना पड़ेगा चार्ज। हमने पर्ची कटवाई थी तो हमारा तीसरा वाला बंदा जो वहाँ बैठ गया है ना नीचे, वो पर्ची उसके पास आएगी, तो अभी ये बोलते हैं कि यहाँ पर चेकिंग करो, तो हमने कहा कोई बात नहीं आप एक बार और काट लो यार, है ना, काट लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, पैसा गवर्नमेंट को मिलेगा, हमारी ओर से क्या जाएगा उनको दान। तो ये आ गया देखो चासू भात, तो चासू भात खाओ, देखो ये उड़द की दाल की बनी हुई है मस्त करके, इससे देख के अब रुका नहीं जा रहा है, अब खाना खाता हूँ पेट भर के, फिर आपसे बात करता हूँ। तो अब नज़ारा देखिए, ये था ये पूरा था पन्नार टॉप, यहाँ से स्टार्ट हो गया बुग्याल, देखिए ना इधर बुग्याल है, इधर से सब कुछ है, कोहरा धीरे धीरे छाने लग गया है, हम लोगों ने नीचे खाना खाया था, इधर का नज़ारा कुछ और है, इधर का नज़ारा कुछ और है। वो बोलते रहे कि भैया कि अब चढ़ाई नहीं पड़ेगी, अब देखा है तो वहाँ तक फिर चढ़ाई दिखाई दे रही है, लेकिन रास्ता का भी अच्छा लग रहा है। भाई साहब मिले थे ना, तो कहते हैं भाई 400-500 बकरियाँ हैं, वो बकरियाँ ये हैं, देखो कि चराई में ये बकरियाँ चल रही हैं फर्स्ट क्लास, ये सारी भेड़े हैं, भेड़े जितनी भेड़े हैं देखो आप कितनी सारी भेड़े हैं ये, और आगे भी बहुत सारी हैं। ये देखो ये भाई लोग आए हैं गोपेश्वर से, तो ये लोग तो 11 बजे चले थे और जल्दी यहाँ पहुँच गए, हम लोग सुबह 7 बजे चले हैं 4 घंटे बाद, फिर भी अभी यहीं पहुँचे हुए। ये पूरा रास्ता भेड़ों ने घेर लिया है, ये रास्ता जाम, ट्रैफिक जाम, तो 400-500 भेड़े यही हैं। ए भेड़ बताओ कुछ अपने बारे में, बताओ कुछ बताओ कि अपने बारे में, ये देखो सारी भेड़े हैं जी। ये भी है कि इन भेड़ों की जो रखवाली के लिए कुत्ते होते हैं ना, मालिक साहब तो है नहीं, तो कुत्ते साहब हैं, तो भाई साहब जैसे हम भेड़ों के पीछे जाने लग गए, वो कुत्ते ना हम पे झपटने लग गए कि भेड़ों को छूना मत, तो किसी ने बोला था कि भेड़ों को छूना नहीं पड़ता है, अगर आप छोगे तो काटे कुत्ते आपको काट देंगे। कहाँ जा रहे हैं लोग, हाइट ले रहे हैं, तो हम लोग हाइट ले रहे हैं थोड़ा सा इन भेड़ों से बचने के लिए, फिर यहाँ से नीचे उतर जाएंगे हम लोग, वहाँ से थोड़ा रास्ता हो जाएगा। हम लोग पीछे हैं पहुँचे हैं अभी पित्तदार में, यहाँ पे लोग पूजा करते होंगे, तो यह पित्तदार, क्या खूबसूरत मौसम है। अभी तो हम रो रहे थे चलाइए चलाइए, अब जो डाउन आया है ना वो ऐसा डाउन आया है कि उस वाले कोने तो डाउन है, अब कल सुबह जब वापस आएंगे हम लोग तो क्या स्थिति रहेगी देखो आप, लेकिन व्यू ना बहुत ज़बरदस्त है, देखो ना कितना मज़ा आ जाता व्यू है ये।
सारी हिमालय रेंज ज़्यादा दिन लगी, सुबह शायद सारी दिख जाए, ये कोहरा हटेगा ना सुबह मॉर्निंग में। तो एट लास्ट हम लोग पहुँच चुके हैं, मतलब मंदिर बहुत ऊपर है। अभी मंदिर में ना आरती हो गई है, तो मंदिर के दर्शन होंगे सुबह। अभी क्या करना है ना, ये यहाँ पे तो लाइट जली है, यहाँ पर शायद कुछ रहने का जुगाड़ दिखाई दे रहा है, तो अभी वही पूरा करना है। पहले देखते हैं कितने रुपये मिलता है, फिर आपको बताता हूँ।